अथरल थाना क्षेत्र की झलकी देवी ने अपने पड़ोसी हरिहर शर्मा पर नशीला पदार्थ खिलाकर 3 माह तक अज्ञात स्थान पर कैद करके यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस संबंध में आज महिला थाना में एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने लिखित आवेदन में कहा है कि विगत 3 माह पूर्व मेरा पति से विवाद हो गया था, तभी हमारे पड़ोसी हरिहर शर्मा ने मायके पहुंचाने के बहाने नशीला पदार्थ खिलाकर एक अज्ञात स्थान पर ले गए व 3 माह तक यौन शोषण किया। विरोध करने पर जान मारने की धमकी दी। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मेरा घर में मारपीट हुआ, मारपीट किया, हम निकल गए घर से, निकले के दूसरा जगह खड़ा थे घर का आसपास। वो आदमी आया हरिहर शर्मा, हरिहर शर्मा आके बोला कि यहाँ काहे थे खड़ा, चलिए हम पहुँचा देंगे घर, मायके पहुंचा देंगे। तो मायके हम बोले कितना दिन तक वहाँ नहीं जाएंगे, चलिए ना हम पहुंचा देते। वो तो यहाँ से ले गया था, ले गया, लेने के बाद वहाँ खाना पीना होटल में खिलाया, कहाँ खिलाया, खिला पिला के अब उस बेहोश हो गए। बेहोश क्या खिलाया उस उम्र को पता नहीं, खिला दिया। उसका बाद वो कहाँ ले गया वो भी पता नहीं, वहाँ गए। उसके बाद होश हुआ, हमको दिखते हैं रूम, बोले कहाँ लाए यहाँ, बोले ठीक जगह में लाए हैं, रहिए यहाँ। तो 3 महीना रखा, 3 महीना के बाद वो वहाँ से भाग गया, छोड़ के भाग गया, छोड़ के भाग गया। तो हम कमा रहे, वो भी गलत करता था, वहाँ गलत करता था डेली,